हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं और वो है क्या, आयनिक रेडियस, आयनिक त्रिज्या। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना ये टॉपिक। तो देखो, आयनिक रेडियस मींस रेडियस ऑफ आयन। तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड लिमिट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ आउटर मोस्ट सेल इन आयोनिक स्पीसीज, मतलब किसी भी आयोनिक स्पीसीज जैसे कि कैटाइन, एनाइन, इनके न्यूक्लियस के सेंटर से और जो आउटर मोस्ट सेल है वहाँ के इलेक्ट्रॉन क्लाउड की जो लिमिट है वहाँ तक के बीच की जो डिस्टेंस है वही क्या है, आयोनिक रेडियस। तो यही मैंने लिखा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड लिमिट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन आयन इज कॉल्ड आयनिक रेडियस। समझिए बच्चों कि आयन के नाभिक के केंद्र से बाह्य तक कोष के इलेक्ट्रॉन अभ्र के सीमांत मान तक के बीच की दूरी क्या कहलाती है, आयनिक त्रिज्या। हम इस तरह से लें कि ये है हमारे पास आयन, चाहे वो कैटाइन हो या आयन, मतलब एक आयनिक स्पीसीज है, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि ये है न्यूक्लियस और ये है इसका सेंटर और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरह से फैला हुआ है आउटर मोस्ट सेल। देखो, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की एक वेल डिफाइंड बाउंड्री तो होती नहीं, वो कहाँ तक फैला हुआ है, तो उस फैलाव की जो लास्ट लिमिट है, सीमा है, वहां तक की ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं वही क्या है, आयनिक रेडियस। तो समझ गए बच्चों कि एक आयनिक प्रजाति दी जाए तो उसके नाभिक के केंद्र से और जहां तक इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैला हुआ है बाह्यतम कोश में वहां तक के बीच का डिस्टेंस ही क्या है, आयनिक त्रिज्या। अब देखो, जो आयंस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन। कैटायन वो स्पीसीज है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और ये एटम से इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के बाद बनता है, समझ गए ना, मतलब कोई भी एटम लिया जाए और उसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया जाए तो जो स्पीसीज बनती है आयनिक स्पीसीज उसे हम क्या बोलते हैं, कैटाइन। तो कैटाइन की जो रेडियस होगी, समझ गए ना, वो कहलाएगी आयनिक रेडियस ऑफ कैटाइन, इसे हम आर प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, ये इसका जो सिंबल है धनायन की आयनिक त्रिज्या। और एक होता है एनायन, जब एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है तो एक नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज बनती है उसे हम बोलते हैं एनायन, तो उसकी त्रिज्या को हम क्या बोलेंगे, आयनिक रेडियस ऑफ एनायन, ठीक है, आर माइनस ऋणायन की त्रिज्या। हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये है कैटाइन जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो डिस्टेंस दिख रही है ये कैटाइन की आयनिक रेडियस है और ये जो है स्पीसीज जिसमें नेगेटिव चार्ज दिख रहा है तो उसके न्यूक्लियस से के सेंटर से और आउटर मोस्ट सेल तक का ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा, आयनिक रेडियस ऑफ एनायन। तो हम इन दोनों के बारे में अलग अलग समझते हैं, तो आप यहाँ तक नोट करें। अब देखो, अब हम आ जाते हैं आयनिक रेडियस ऑफ कैटाइन। तो कैटाइन तो आप समझ गए होंगे कि कैटाइन वो आयनिक स्पीसीज है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, बनती कब है, जब एटम से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं। इसका मतलब होता है कि जो कैटाइन होता है उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो प्रोटॉन्स से कम होते हैं। तो अब आता है कि जो कैटाइन की रेडियस है वो उसके पेरेंट एटम की एटॉमिक रेडियस के रिस्पेक्ट में क्या होगी। तो मैं बता दूं कि कैटाइन की जो आयनिक रेडियस होती है वो उसके पेरेंट एटम की एटॉमिक रेडियस से छोटी होती है। अब आता ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन एटम से रिमूव होते हैं और कैटाइन बनता है तो जो कैटाइन है ना उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। किसके रिस्पेक्ट में, एटम के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के रिस्पेक्ट में, मतलब है कि जो कैटाइन है उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एटम के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से ज़्यादा हो जाता है। और ऐसे में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं कैटाइन की वो न्यूक्लियस की तरफ एक
हाई अट्रैक्शन के कारण, न्यूक्लियर अट्रैक्शन के कारण अट्रैक्टेड होते हैं, मतलब उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है न्यूक्लियस का किसके प्रति, इलेक्ट्रॉन्स के प्रति, किसमें, कैटाइन में। और यही कारण है कि जो साइज है वो छोटी हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है आयनिक साइज में। तो समझे बच्चों कि जो धनायन होते हैं उनकी जो आयनिक त्रिज्या है वो उनके पैतृक परमाणु की परमाणु त्रिज्या से छोटी होती है। फिर से सुने, जो कि कैटाइन है उसकी जो आयनिक त्रिज्या है वो उनके पैतृक परमाणु की परमाणु त्रिज्या से छोटी हो जाती है। कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन निकल जाने के पश्चात जब कैटाइन बनता है तो कैटाइन में बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स पर जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो परमाणु के प्रभावी नाभिकीय आवेश से कहीं ज्यादा हो जाता है, और ऐसे में इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ ज्यादा अट्रैक्शन महसूस करते हैं और उसका आकार क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो यही मैंने लिखा है यहाँ पर कि आयनिक रेडियस ऑफ कैटाइन ऑलवेज स्मॉलर देन एटॉमिक रेडियस ऑफ पेरेंट एटम, बिकॉज इन कैटाइन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर देन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एटम। मतलब जो कैटाइन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो एटम के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से ज्यादा हो जाता है। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कैटाइन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस विद ग्रेटर फोर्स। समझ गए ना, जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो जो कैटाइन है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस की तरफ एक ग्रेटर फोर्स से अट्रैक्टेड होंगे और साइज क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। अब आता है कि अगर चार्ज बढ़ता है पॉजिटिव चार्ज तो क्या होगा, तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा कैटाइन का उनमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगातार बढ़ता जाएगा, और लगातार बढ़ेगा तो साइज लगातार क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। मतलब ये है कि जैसे जैसे कैटाइन पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उसकी आयनिक रेडियस कम होती जाएगी। तो समझिए बच्चों कि धनायन पर आवेश बढ़ने से कैटाइन की जो आयनिक त्रिज्या है वो लगातार क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। तो यही मैंने आगे लिखा है कि और आवेश बढ़ने से, ठीक है, अधिक होता है, इसलिए कैटाइन इलेक्ट्रॉन आवेश को अधिक बल से आकर्षित होते हैं, तथा यहाँ पर आपको लिखना है कि धनावेश, ठीक है, बढ़ने से कैटाइन का आकार क्या होता है। हम इस तरह से समझे, यह है सोडियम 281, ठीक है, 11 एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। तो यहां पर जो प्रोटॉन्स है वो 11 है और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं इसमें, 11। अब यहां का जो एटॉमिक रेडियस है ये है 186 पिकोमीटर। आपने उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया और ये कैटाइन में चेंज हो गया, Na+ आयन बन गया। अब इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे, 2 और 8। तो एक तो देखो आप, यहां से यहां 3 ऑर्बिट्स पड़ रही थी, अब यहां कितनी ऑर्बिट्स रह गई, केवल 2। तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल तक की डिस्टेंस वैसे भी कम हो गई। यहां पर 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन थे, यहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना नहीं था। अब यहां पर क्या है, 11 तो प्रोटॉन्स हैं और 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। तो साइज अब कितनी हो गई, 95 पिकोमीटर, तो साइज घट गई ना। आपको इतना सा ध्यान रखना, इन सबका जो कंक्लूजन है वो ये कह रहा है कि आयनिक रेडियस ऑफ कैटाइन ऑलवेज स्मॉलर देन एटॉमिक रेडियस ऑफ पेरेंट एटम, मतलब IR लेस देन AR। इतना सा बात ध्यान रखना है, रीजन में आप समझाई दे चुका हूँ आपको, तो आप इसको नोट करें। अब देखो, अगर मान लो आपको बहुत सारे कैटाइन्स दिए गए हों या एक ही कैटाइन का चार्ज चेंज किया गया हो, तो आपको साइज कैसे ऑर्डर डिटरमाइन करना है, इसको इस तरह से समझेंगे आप कि धनायन का आकार, मतलब साइज ऑफ कैटाइन, या हम कहें आयनिक रेडियस ऑफ कैटाइन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, चार्ज ऑफ कैटाइन और ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज नंबर है वही ऑक्सीडेशन नंबर है। मतलब जितना ज्यादा चार्ज उतना छोटा साइज। इसका मतलब है कि Fe2+ और Fe3+ में अगर आप देखें तो Fe2+ बड़ा होगा, Cu1+ Cu2+ में देखें तो Cu1+ बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज कम है। एल्यूमिनियम आयंस की बात करें, आप देखें तो एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम एटम सबसे बड़ा होगा और एल्यूमिनियम 3+ सबसे छोटा होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा है। ठीक इसी तरह से मान लो आपको कंपाउंड्स दे रखे हों एक ही एलिमेंट के, जैसे MnO, Mn2O3, Mno2, Mn2O5, Mno3,
समझ गए ना, और एक है MN2 उसका वर्जन। तो यहाँ प्लस टू है, यहाँ प्लस थ्री है, प्लस फोर, प्लस फाइव, और यहाँ है प्लस सिक्स, और ये क्या है प्लस सेवन। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर, इसलिए इसका MN का यहाँ पर जो साइज है वो सबसे छोटा होगा, यहाँ पर साइज सबसे बड़ा होगा। अब आता है कि एक होते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैटाइंस, मतलब ऐसे कैटाइंस जो अलग अलग तो हैं लेकिन उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है सेम होते हैं, उनको बोलते हैं हम क्या, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैटाइन। समझ गए बच्चों, सम इलेक्ट्रॉनिक कैटाइन मतलब जिनमें समान संख्या में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उनमें ध्यान रखना है कि जो साइज है वो उनके चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब चार्ज ज्यादा कैटाइन में तो साइज छोटी होगी, मतलब उनकी आयनिक रेडियस छोटी हो जाएगी। जैसे हम रिस्पेक्ट में इसमें देखें Ne से Na+, Mg2+, Al3+, Si4+, इसका एटॉमिक नंबर 10, 11, 12, 13, 14, इसमें प्रोटॉन उसी हिसाब से जिस तरह एटॉमिक नंबर है, लेकिन आप इनमें इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करोगे तो 10, 10 आएंगे। तो यहाँ सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज निकल में तो ये सबसे छोटी साइज का होगा, सोडियम इन सब कैटाइन में सबसे बड़ा होगा, और इससे बड़ा कौन होगा, नियॉन, क्योंकि ये एक एटम है। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक चीज अगर आपको दी गई हो, कंपाउंड्स दे रखे हो एक ही एटम में या एक ही आयन का चार्ज चेंज किया गया हो, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि जो चार्ज है और जो साइज है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आप इसे नोट करें। अब बच्चों देखो, अब हम आ जाते हैं आयनिक रेडियस ऑफ एनायन, ऋणायन की आयनिक त्रिज्या। तो आप जानते हैं कि जो एनायन बनता है, ऋणायन बनता है, वो एटम में इलेक्ट्रॉन के ऐड होने से बनता है, और इसमें कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ऋणावेश होता है। ये देखा गया कि जो ऋणायन होता है, जो एनायन होता है, उसकी जो आयनिक रेडियस है वो उसके पेरेंट एटम की एटॉमिक रेडियस से बड़ी होती है। मतलब है कि जो आयनिक रेडियस एनायन की है ना, वो उसके पेरेंट एटम की एटॉमिक रेडियस से बड़ी होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है प्रोटॉन्स से ज्यादा हो जाएंगे, जिससे एनायन में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ना वो एटम के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से कम हो जाएगा, और ऐसे में अब जो इलेक्ट्रॉन है एनायन के वो न्यूक्लियस के प्रति एक लेसर फोर्स से अट्रैक्टेड होंगे, और ऐसे में जो एनायन की साइज है वो एटम की साइज से बड़ी हो जाएगी, और यही कारण है कि जो आयनिक साइज है वो एटॉमिक साइज से बड़ी होती है। तो यही मैंने लिखा है यहाँ पर कि आयनिक रेडियस ऑफ एनायन इज ग्रेटर देन एटॉमिक रेडियस ऑफ पेरेंट एटम। पेरेंट एटम को समझ रहे हो ना, जिससे वो बन रहा है, जिस एटम से वो एनायन या कैटायन बनता है। बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एनायन इज लेसर देन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एटम। मतलब यह है कि एनायन में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो एटम के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से कम होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनायन देयरफॉर क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनायन आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस विद लेसर फोर्स एंड स्ट्रेस, ठीक है। और इसके बाद है कि जो साइज है इंक्रीजेस विद इंक्रीज नेगेटिव चार्ज ऑफ एनायन। एनायन में जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा साइज बढ़ती जाएगी। यही लिखा है बच्चों की ऋणायन की जो आयनिक त्रिज्या है वो पेरेंट परमाणु की त्रिज्या से बड़ी होती है, क्योंकि आयन में ऋणायन में जो है प्रभावी नाभिकीय आवेश परमाणु के नाभिकीय आवेश से कम हो जाता है, और इसीलिए ऋणायन में इलेक्ट्रॉन नाभिकीय दुर्बलता से आकर्षित होते हैं, तथा आयन में जैसे जैसे ऋणावेश बढ़ेगा आयनिक त्रिज्या बढ़ती जाती है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये है क्लोरीन, 287 इलेक्ट्रॉन, 17 होते हैं, इसकी एटॉमिक रेडियस होती है 99 पिकोमीटर। जैसे ही इलेक्ट्रॉन जुड़ा ये ऋणायन बन गया, अब इसकी जो रेडियस है 181 पिकोमीटर हो जाती है, जो कि इसकी डबल वैल्यू के आसपास की है। ठीक इसी तरह से जैसे कार्बन है इसकी 77 पिकोमीटर एटॉमिक रेडियस होती है, चार इलेक्ट्रॉन जोड़ने ऋणायन बन गया, नेगेटिव आयन बन गया 4 माइनस वाला, अब इसकी आयनिक रेडियस 260 पिकोमीटर होगी, बहुत बड़ी साइज होगी। तो यहाँ तक बात समझ गए होगी, आप इसे नोट करें। अब देखो, अगर आपको ठीक है साइज ऑफ एनायन याद रखना है तो आपको इतना ध्यान रखना होगा साइज ऑफ एनायन या आयनिक रेडियस ऑफ एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ एनायन और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट।
मतलब जितना ज्यादा एनायन का चार्ज उतनी ही बड़ी आयनिक रेडियस, या जितना ज्यादा नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एटम का जिसकी आपको रेडियस पूछी गई है उतना ही बड़ा साइज। जैसे ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन उससे बड़ा, ऑक्सीजन 1 माइनस ऑक्सीजन 2 माइनस। ठीक इसी तरह से हम कार्बन के लिए कंपाउंड्स देखें तो CO2 में 4 प्लस है, CO में प्लस 2 है, CH2Cl2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, CH3Cl में माइनस 2 आएगा क्योंकि माइनस 3 HK और प्लस 1 Cl का, तो कैंसिल होने के बाद माइनस 2 और CH4 में माइनस 4 है। तो आपको आयनिक रेडियस ऑफ कार्बन पूछी जाए तो इस ऑर्डर में इंक्रीज होगी। अब हम आते हैं कि n, ठीक है, इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक एनाइंस। अब मान लो आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक एनाइंस दे रखे हैं तो इतना सा ध्यान रखना है कि साइज और चार्ज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। ये तो आप समझते हो ना कि इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर हम यहाँ देखें, ठीक है, इनमें कि इलेक्ट्रॉन 10 यहाँ पर भी हैं, 10 यहाँ है, 10 यहाँ है, 10 यहाँ है, 10 यहाँ, तो आप देख रहे हैं कि लेकिन नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, तो नेगेटिव चार्ज बढ़ने से साइज बढ़ती जाएगी। अगर हम इनके कंपाउंड्स में भी पूछ लें कि HF में, तो नियॉन के रिस्पेक्ट में आप देख रहे हैं साइज बढ़ती जा रही है। अगर हम HF में देखें तो HF H2O NH3CH4 में जो इनके जो ये सेंट्रल एटम है इनकी साइज बढ़ती जाएगी। कैटाइन और एनाइन का मान लो आपको कंपेयर करना हो कि जैसे यहाँ पर है नियॉन, ठीक है, अगर हम यहाँ से लें Al प्लस 3 Mg प्लस 2, यहाँ पर आ जाए N प्लस, फिर नियॉन इससे बड़ा होगा F, इससे बड़ा माइनस 2, ठीक है, इससे बड़ा नाइट्रोजन थे और फिर इससे ज़्यादा ये है। तो आप कैटाइन के रिस्पेक्ट में देखें तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि आयनिक रेडियस जो ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में ध्यान रखना है कि R प्लस हमेशा ये होगी R और फिर उससे बड़ा होगा R माइनस, समझ गए ना। ये ध्यान रखना है चाहे वो सेम एटम हो चाहे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो। बात समझ में आ गई आपकी कि चाहे एक ही एटम में पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल तो नेगेटिव चार्ज रखता हो तो ये ऑर्डर होगा, या फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीजेस हो तो भी यही ऑर्डर होगा। मतलब ये है कि जैसे यहाँ है Cl प्लस, इससे बड़ा होगा Cl और इससे बड़ा होगा Cl माइनस, और अगर आप डिफरेंट आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइंस की बात करें तो ये ऑर्डर आएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं जो पूछे जाते हैं ऑब्जेक्ट में, तो आप इस तरह से ध्यान रखें, तो पहले आप इसे नोट करें। अब देखो, अब हम आ जाते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ आयनिक रेडियस, आयनिक त्रिज्या की आवर्तिता। तो ध्यान रखना है कि जो आयनिक रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक रेडियस फॉर सेम एटम। मतलब ये है कि जो एक ही एटम की अगर आयनिक रेडियस ली जाए तो वो उसकी एटॉमिक रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है एटम बड़ा तो आयनिक रेडियस भी बड़ी होगी। तो इसलिए ध्यान रखना है कि जो आयनिक रेडियस की पीरियोडिसिटी है वो एटॉमिक रेडियस की पीरियोडिसिटी के बिल्कुल समान है। इसका मतलब क्या है कि पीरियड में जो आयनिक रेडियस है सेम चार्ज वाले आयंस हों तो ये डिक्रीज होती जाएगी लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है। तो अगर सेम चार्ज वाले आयंस लिए जाएं डिफरेंट एटम्स के तो आपको इस तरह से बिल्कुल एटॉमिक रेडियस जैसा ही ऑर्डर याद रखना है। जैसे कार्बन 1 माइनस नाइट्रोजन ऑक्सीजन इनमें देखोगे तो ये ऑर्डर आएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर, चाहे वो कैटाइन के फॉर्म में लिए गए हों चाहे एनाइन। हाँ, बस चार्ज ध्यान रखना है सेम चार्ज वाले होने चाहिए। अगर आप ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में जैसे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है वैसे ही आयनिक रेडियस भी इंक्रीज होगी, चाहे वो कैटाइन हो और चाहे एनाइन। देख रहे हैं आप कि लिथियम प्लस से लेके फ्रांसियम तक बढ़ती जाएगी, फ्लोराइड माइनस से आयोडाइड माइनस तक बढ़ती जाएगी। तो चाहे कोई भी ग्रुप हो या पीरियड, अगर आपको एटॉमिक रेडियाई की पीरियोडिसिटी आती है तो वही उसके आयन की जो है पीरियोडिसिटी होगी। तो चार्ज सेम लेकर देखना है ग्रुप में और पीरियड में। तो इस तरह से मैंने आपको आयनिक रेडियस के बारे में कंप्लीट बता दिया। आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, एक एक चीज़ समझ में आएगी और इससे क्वेश्चन आता है बच्चों, इसलिए आप इसको सीरियसली लेंगे। ओके, तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, ओके, बाय, सी यू।